रेशमा भाई लोगों ने डिस्कस करा था हम लोग कल, आपने ग्राफ बनवा दिया था, अभी बताते हैं उसको, दूसरा कुछ नहीं है। बुलेट है ना, बुलेट का मास कितना है एम, और बुलेट की स्पीड कितनी है यू। ये बुलेट आ रही है ठीक है, और फाइनली आके इसे फंस जाती है ठीक है। अच्छा फंसने के बाद क्या होगा फिर, ये ऊपर की तरफ ये घूम जाएगी, रॉड आपकी टर्न कर जाएगी ठीक है, ये बुलेट आगे हिट करेगी और ऐसे रॉड में ओमेगा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अगर कभी भी कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है कि कहीं पे ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, समझे, कोई बॉडी भागती आ रही है और अचानक से आगे किसी को हिट करती है ठीक है, और हिट करने के बाद जो आपकी ट्रांसलेशनल मोशन थी ये किस में काउंट हो गई, कन्वर्ट हो गई रोटेशनल मोशन में, समझे। तो ये क्वेश्चन हमें जाकर इसका उत्तर बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी दो चार से आप अपने आप करोगे, कौन सी मोशन किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें, रोटेशन में ठीक है। तो देखो बुलेट भागती हुई आ रही थी, तो बुलेट के पास कौन सा मोमेंटम था, मतलब बुलेट के पास एक मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम, और फाइनली किस पे कंट्रोल हो गया वो एंगुलर। अब देखो इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां से बॉडी घूम रही है ये इसकी क्या होती है, ये एक्सिस ठीक है। अब जब आके बुलेट हिट करेगी तो क्या होगा, ये बुलेट के अंदर फोर्स लगेगा, तो भाई बुलेट पे फोर्स पीछे लगेगा और रॉड पे कहां लगेगा, रॉड पे आगे लगेगा, तो बुलेट पे टॉर्क आएगा नहीं आएगा, इसके बाद और जहां सिस्टम घूम सकता है यहां से टॉर्क देखता है ठीक है। तो टॉर्क कहां से देखता है, सारे कुछ एक एक टाइम के हैं, कंसीडर टॉर्क अबाउट एक्सेस, अबाउट एक्सेस कौन से एक्सेस, जहां पूरा सिस्टम क्या कर सकता है, घूम सकता है ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ लो, आगे दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे सारे हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि घूमती बॉडी में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, किसी घूमती बॉडी सॉरी स्ट्रेट जाती बॉडी में भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। कोई मुझे बताएगा कितना एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे, इस बुलेट के पास कितना एंगुलर मोमेंटम है इसके बाउट, देखो ये क्या बताओ, ये मोमेंटम की क्या है, ये मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस कितनी बताओ एल, तुम बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी एल, एम वी उसकी क्या हो गया, एम वी मोमेंटम हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो भाई लिखना बाद में आपको। तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, बुलेट का, सारे कुछ एक लाइन में आते हैं बस क्लियर। अब ये बुलेट जाके इसमें फंस जाएगी किसका, रॉड में, और पूरा सिस्टम क्या करेगा, कैसे घूम जाएगा। तो अब क्या होगा इसके बाद, पहले तो सिर्फ एक क्या था, पहले आपके पास सिर्फ एक पॉइंट मास था जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना था एम वी, बाद में सिस्टम क्या बन गया, ये पूरी रिजिड बॉडी हो गई, कौन रॉड प्लस बुलेट, दोनों क्या हो गए, दोनों घूम गए ठीक है। तो बताइए रॉड का मोमेंटम अवश्य कितना होगा, एम वी एल का वैसे ही होगा प्लस बुलेट का कितना होगा, बुलेट यहाँ फंस गई तो बुलेट का मास कितना है स्मॉल है, लेंथ कितनी है, कितना हो गया एन टू ओमेगा, बस यहाँ से ओमेगा जाएगा। तो आपके सबके सामने लिखा हुआ है, बताओगे किसी इवेंट का होगा, तो सोच लो भाई, पहले हमने किसका मोमेंटम लिखा, बुलेट का लिखा एंगुलर मोमेंटम, फिर वो एंगुलर मोमेंटम किसमें चला गया, पहले एक पॉइंट मास में एंगुलर मोमेंटम था, फिर पूरे सिस्टम में आ गया रिजिड बॉडी में। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे एंगुलर मोमेंटम के, कौन कौन से, एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम होता है और एक रिजिड बॉडी का होता है कितना आई ओमेगा। तो पहले किसका था, पॉइंट मास का था, फिर किसमें हो गया
रिजिड बॉडी में रॉड भी है और साथ में क्या है, बुलेट की रॉड। तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इनटू ओमेगा। सर इसको हम नहीं लिखेंगे बुलेट का, क्या एमबीएल का ओमेगा नहीं आएगा सर? नहीं, इसका एनोट का फॉर्मूला ही होता है एमबीएल। इसमें थोड़ा ना ये एमबी से भाग के लड़ने पड़े, तो यहां से ओमेगा निकाल देंगे आप। किसी को डाउट क्लियर है पॉइंट? देखिए समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन यहां से आपको खुद देना है, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन सिक्स में हुआ है, इंजीनियरिंग मेडिकल है। ये डेस्क होगी, ठीक है, और यहाँ पे बुलेट आती है, ऐसे बुलेट आ रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। बुलेट ऐसे आएगी, बुलेट का मास कितना है एम, बुलेट की स्पीड कितनी है, और डिस्क ऑफिसर की बात में डिस्क क्या करेगी, डिस्क घूम जाएगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपने जैसे बुलेट स्पीड करेगी What will be angular velocity of the disc? बुलेट आगे इसको ऐसे हिट कर गई, बुलेट पे फंस गई, पूरा सिस्टम क्या करने लगा, फिर घूमने लगेगा। तो आपको बताना है what is angular velocity of the disc? डिस्क का मास m, रेडियस r, डिस्क का मास m हो गया, रेडियस कितनी है इसकी, डिस्टेंस नहीं गिवन है, बस यही गिवन है। देखना बुलेट का मास स्मॉल है, मैंने ठीक है ईशान पास करना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई सारे बच्चे, देखो रेडियस का, हाँ रेडियस क्या है, इधर देखो सारे वन लाइन है, क्वेश्चन है ये एम हो गया, एंगल कितना 60 है, बताओ ये मोमेंटम कितना आएगा, कितना आएगा एम यू कॉस 60 आएगा, कॉम्पोनेंट ये कितना आएगा बताओ, कितना है ये, कौन घुमा रहा है इसको बताओ, जो इसको एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मोमेंटम का क्या बना दो कंपोनेंट बना दो, या लाइन ऑफ एक्शन दे, मैंने क्या बना दिया, कंपोनेंट बना दिया। तो अगर मैं इस एम यू कॉस 60 को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, कितना एंगुलर मोमेंटम हो रही है mu cos 62 r, फिर ये किसमें चला गया बताइए, अब ये क्या बन गया, जब जाके ये इसको बुलेट्स को हिट करेगा तो क्या बन जाएगा, तो डिस्क एंड बुलेट का एक सिस्टम बन जाएगा, और कितना आएगा वो i ओमेगा, i कितना होगा बताइए, तो डिस्क का होगा कितना हाफ मास पे होगा प्लस, बुलेट का कितना होगा इनटू क्या गया ओमेगा, यहां से आप ओमेगा निकाल सर, एम एम यू बाय 3 हां नहीं यार स्मॉल एम कैपिटल एम अलग अलग है, जो भी आंसर आएगा तो क्वेश्चन हो गया ना, निकाल रहा हूं ओमेगा,
नहीं सर स्मॉल आर यू और स्मॉल आर तो आई नहीं है स्मॉल एम सर एम सर चेक कर लो सर चेक कर लो एम यू आई एम प्लस टू एम चेक करते हैं सारे एम एक कर दिए तुमने आंसर तुम्हारा सही होगा अगर सारे एम सेम हो तो यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम क्या अलग अलग है ठीक है नीचे कैपिटल एम है ऊपर स्मॉल एम ठीक है मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है देखो लग रहा है दो बच्चों का आंसर ये आ रहा है तुम्हारा सही है विशाल आंसर यही आ रहा है बिल्कुल सही ये आ रही है Yes, ये आंसर है। उसे दोनों एम सेम करो।